Hey guys, don't forget to visit my Amazon affiliate page to shop best discounted product on Amazon. Hey guys, welcome back to the new video. तो मैं आया हूँ आज फोर्ट कार्गो फोर्ट में बड़ौदा में. तो यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं एस्पायर का रिव्यू करेंगे हम लोग पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं. तो मेरे साथ है अभी मकसूद भाई. तो बताएंगे अभी क्या क्या फीचर्स एस्पायर दे रही है. वैसे ये मतलब फ्री स्टाइल का सेडान वर्जन ही है राइट? नहीं, एक्चुअली ये जो फिगो और एस्पायर आता है, हाँ हाँ, फिगो है वो हैचबैक है, फिगो एस्पायर कॉम्पैक्ट सेडान है जी. तो ये दो इंजन ऑप्शन में आता है. 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो 120 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है. इवन इसका जो पावर है वो 96 PS पावर है. 96 PS का पावर प्रोवाइड करता है. एक्चुअली सबसे पावरफुल इंजन है ये सेगमेंट में. सबसे पावरफुल इंजन में ये एस्पायर मिलती है. तो हम लोग आगे फ्रंट प्रोफाइल के पहले बात कर लेते हैं. तो फ्रंट प्रोफाइल में जो लुक दे रखा है काफ़ी मिलता जुलता लगता है फ्री स्टाइल से और फिगो से. तो ऐसा ग्रिल वगैरह इसके अंदर मिल जाती है. BS6 वेरिएंट है दिया गया है जो मोस्टली एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है कार को. देन इसका जो हेडलैम्प्स है वो ब्लैकआउट हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो मोस्टली कार का लुक एनहेंस करते हैं. DRL दिया है इसके अंदर? DRL इसमें नहीं आते हैं. एक्चुअली जिस तरीके से फोर्ड क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एक दो फीचर्स बढ़ाने जाते हैं तो प्राइसिंग भी बढ़ जाता है. हमको किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है राइट. ठीक है. तो क्रोम फिनिशिंग यहाँ नीचे दिया हुआ है और पूरा कंप्लीट इसे बिजल डिज़ाइन फोकलम्स है. हाँ, और ये टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है. ये टॉप वेरिएंट आता है अभी. राइट नाउ दो ही वेरिएंट आ रहे हैं, टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस. ठीक है, दो वेरिएंट में ये अपने को मिल जाती है. ग्रिल वगैरह के साथ दे सकते हैं. यहाँ पर पूरे ग्रिल में क्रोम फिनिशिंग दे रखा है. यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये कौन सी ग्रिल का क्या नाम है? ये सेल्यूलर ग्रिल है. सेल्यूलर ग्रिल मिल जाती है. तो यहाँ पर पूरा बम्पर वगैरह भी डिज़ाइनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है. इंजन एक बार अपना ओपन करके देख लेते हैं. तो इंजन ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि क्या कैसा दिखता है इंजन. तो इंजन आपको यहाँ पर ऐसा मिल जाता है, 4 सिलेंडर इंजन मिलता है. 1.2 लीटर है ये. 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है. 3 सिलेंडर सेकंड सीरीज इंजन है ये. एक्चुअली क्या है, इसके लिए ये पावर पिकअप ज़्यादा प्रोवाइड करता है. इवन जो कंपनी माइलेज क्लेम करते हैं वो 19.40 का माइलेज है. 19.40 मतलब काफ़ी ठीक है, क्योंकि उस सेडान में है और इस सेगमेंट में आपको माइलेज भी अच्छा मिल रहा है. सेम माइलेज की अगर बात करें तो फ्री स्टाइल भी अपने को बहुत अच्छा माइलेज दे रही है. तो फोर्ड में माइलेज का तो अच्छा ध्यान रखा जाता है कि हाँ माइलेज आपको अच्छा ही मिलेगा गाड़ियों का. बाकी कितना पावर, 96 PS का पावर जनरेट करती है. इवन 120 Nm का टॉर्क है. 120 Nm का टॉर्क. तो मतलब मोस्टली जैसे 5 ऑक्यूपेंट्स बैठे हैं, लगेज कैरी किया हुआ है, सडनली ओवरटेक करना है या रफ कंडीशन हिली कंडीशन में पावर पिकअप अच्छा प्रोवाइड करता है. कन्वीनियंट राइट. जो अदर जो सेगमेंट अदर ब्रांड का कार है उससे 1-2 किलोमीटर माइलेज कम देगा, लेकिन वहाँ पर कंफर्ट कन्वीनियंट रहेगा. ठीक है, बंद कर देते हैं. बाकी हम लोग इसका टायर साइज़ की बात कर लेते हैं. अलॉय व्हील मिल जाते हैं इसके अंदर अपने को. कहते हैं 195/55 R15 का आपको अलॉय व्हील यहाँ पर मिल जाता है. टायर साइज़ वगैरह ये है. और यहाँ पर अगर व्हील बेस कितना होगा इसका? इसका जो व्हील बेस है 2490 mm व्हील बेस है. 2400 में 2.4 मीटर आपको व्हील बेस इसका मिल जाए. तो काफ़ी लॉन्ग व्हील बेस में है जी. तो मतलब अच्छा खासा इसके अंदर स्पेस अगर मिल जाएगा अवेलेबल. जो लेंथ है उससे ज़्यादा व्हील बेस दिया गया है. जो कार का लेंथ है 3995 mm लेंथ है. मतलब व्हील बेस 2490 mm है. तो जो व्हील बेस है उससे ज़्यादा आप सॉरी जो लेंथ है उससे ज़्यादा आपको व्हील बेस मिल रहा है. राइट. केबिन स्पेस आपको बेस्ट इन क्लास मिल रहा है. तो कम्प्लीटली अगर मैं साइड प्रोफाइल दिखाऊँ तो काफ़ी बड़ा व्हील बेस आपको मिल जाता है. और ज़्यादा देखो 3.9 मीटर की पूरी कार है और उसमें आपको 2.4 मीटर का आपको व्हील बेस अच्छा खासा मिल रहा है. तो काफ़ी अच्छी सेगमेंट में मिल रही है, क्योंकि अंदर लेग रूम और हेड रूम वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा जगह मिल जाता है. ठीक है, जो विथ है वो 1704 mm है. 1704 mm और इसका जो कार का हाइट है वो 1525 mm का हाइट है. तो आपको जो लेग हेड रूम चाहिए वो भी अच्छा खासा मिल जाता है. तो अपने इधर बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में. तो इंटीरियर आपको काफ़ी अच्छा इंटीरियर मिल रहा है. तो अगर डोर की बात करें तो डोर में आपको ORVM के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं. ORVM काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है जी, क्योंकि डिज़ाइन आप देख सकते हैं पूरा स्क्वायर में है और इधर से आप काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसको, फोल्ड भी कर सकते हैं बोथ साइड से.
सेट भी कर सकते हैं। देन फोर पावर विंडोज आ जाता है, टू टोन में आपको डोर मिल जाता है यहाँ पर, चार पावर विंडो के लिए ऑप्शन मिल जाता है, चाइल्ड लॉक के लिए मिल जाता है, और काफी अच्छा डोर पॉकेट भी काफी अच्छा बड़ा डोर पॉकेट रहता है। यहाँ पे आते हैं स्पीकर, फोर डोर स्पीकर रहते हैं। और कितने स्पीकर हैं इसके अंदर? फोर डोर स्पीकर, फोर डोर स्पीकर है। और ट्विटर्स कितने मिलते हैं? ट्विटर्स इसमें नहीं आते हैं, इसमें ट्विटर्स नहीं आते, राइट? ठीक है, तो ये इधर डोर की बात होगी। बाकी अगर हम लोग स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो स्टेयरिंग व्हील भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और अभी हम लोग अंदर बैठ के बाद वन पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, मैनुअल वेरिएंट में मिलेगी। तो इसमें वो भी आता है क्या, ऑटोमेटिक वेरिएंट? एक्चुअली ऑटोमेटिक आता था, लेकिन अभी कुछ अपडेट हो रहा है शायद से, तो अभी वो अभी प्रोडक्शन में नहीं, अभी प्रोडक्शन में नहीं। ठीक, तो एक चीज़ है जानने के लिए कि ये कितना टाइम पीरियड कितना है, अगर बुकिंग कराते हैं तो कितना टाइम पीरियड का वेटिंग है? देखिए, नॉर्मली रेडी कंडीशन में मिल जाता है, अदरवाइज अगर इफ इन केस कोई जो भी आपको कलर वेरिएंट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट टू मंथ्स का वेटिंग आता है। टू मंथ का वेटिंग, अगर कोई भी कार अरेंज होता है तो हम प्रोवाइड करके देते हैं। तो बीच में अगर कोई अरेंज हो जाती है तो कर देते हैं प्रोवाइड। पीछे का थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, बैक में अगर हम बैक डोर की बात करें तो काफ़ी ब्रॉड ओपन हो रहा है और काफ़ी मतलब स्मूथ है। बिल्ड क्वालिटी तो फोर्ड की अच्छी आती है, तो है। और यहाँ पर टू टोन में आपको सेम वही डोर पॉकेट मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको पावर विंडो के लिए ऑप्शन मिल जाता है, पीछे नीचे स्पीकर मिल जाएगा। और लेग रूम की अगर मैं बात करूँ तो लेग रूम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोवाइड हो जाएगा। तो पूरा बेंच दिया हुआ है, इसमें हैंडरेस्ट नहीं मिलेगा, बाकी दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल चारों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। तो इसका हम लोग बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो बैक प्रोफाइल बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, 360 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, 360 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाएगा। आप सफिशिएंट लगेज कैरी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, आप इस सेगमेंट की कोई भी कॉम्पैक्ट सेडान कार में जाए, लेंथ तो सेम ही रहने वाला, तो आपको उसके अंदर ही मैनेज करना है, राइट? तो अल्टीमेटली आप अगर बूट स्पेस ज्यादा दे रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका जो लेग रूम है वो कम हो जाएगा, राइट। तो वो एस्पायर में बैलेंस दिया गया है, आपको सफिशिएंट लेग रूम भी मिल जाता है और सफिशिएंट लगेज एरिया भी मिल जाता है। पीछे की अगर हम बात करें तो बम्पर नीचे दे रखा है, और इधर ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार पार्किंग सेंसर दे रखे हैं विद कैमरा। तो विद कैमरा है वो आपको यहाँ मिलेगा, जो मोस्टली आपको नंबर प्लेट तक का व्यू देगा। सो मोस्टली क्लोज पार्किंग कंडीशन में और नीचे भी कोई ऑब्स्टिकल होता है इजीली शो हो जाता है, जिससे कोई इंसिडेंट ना, राइट? तो जब ये सेंसर आवाज़ करते हैं, सेंसर जब आते हैं तो ठीक है, सो सेंसर भी इसमें वॉइस अपना आवाज़ करते हैं। पीछे अगर हम लोग टेल लाइट की बात करें तो काफ़ी बड़ी टेल लाइट दे रखी है, और इंडिकेटर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है पीछे से। अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा इसका बैक प्रोफाइल लगता है, पूरा क्रोम फिनिशिंग दे रखा, फोर्ड की मार्किंग इधर मिल जाएगी, टाइटेनियम वेरिएंट में मिल जाएगा, एस्पायर लिखा हुआ है। तो ये चाबी से भी ओपन कर सकते हैं? चाबी से आप कर सकते हैं, रिमोट की से, जैसे अभी ये हमारे पास रिमोट कीलेस, हाँ, तो अगर टू टाइम प्रेस करते हैं तो ये रिमोट की से ओपन हो जाएगा, अपने आप ओपन हो जाएगा। अदरवाइज ड्राइवर साइड से भी कर सकते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक रिलीज है, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफाइल इसके अंदर दे रखा है। अभी हम लोग इसका थोड़ा अंदर की बात कर लेते हैं, उससे पहले अगर मैं पूछना चाहूँगा ये फ्यूल टैंक कितने लीटर का मिलेगा इसके अंदर? इसका फ्यूल टैंक 37 लीटर डीजल में है, 42 लीटर पेट्रोल में आता है। ये 37 लीटर डीजल में मिल जाएगा, ये डीजल वेरिएंट में है? ये पेट्रोल है, ये पेट्रोल वाली है, तो इसका बड़ा मिल जाएगा 42 लीटर का। तो अभी हम लोग अंदर हैं गाड़ी के, तो अंदर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेयरिंग व्हील से। तो स्टेयरिंग व्हील में जो फंक्शंस का आपके अंदर दो फंक्शन, एक ही फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, और टू टोन में स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। तो क्या क्या है इसके अंदर? इसमें हम लोग से कॉल अप पिकअप ड्रॉप कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, मोड है जहाँ से आप म्यूजिक के मोड चेंज कर सकते हैं, रेडियो वगैरह, ब्लूटूथ, तो आप वहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन दे रखा है, 7 इंच का स्क्रीन रहेगा ना ये? जी, 7.2 इंच का स्क्रीन है, 7.2 इंच का स्क्रीन रहेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर नेविगेशन वगैरह आपको मिल जाएगा और ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। अब इसको रिवर्स में डाल देते हैं, एक बार पीछे का कैमरा देख लेते हैं। तो बैक कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वाइड एंगल प्रोवाइड कर रहा है, तो काफ़ी वो बहुत सही है इसमें। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा सा छोटा सा ट्रे मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए, 12 वोल्ट, आप मोबाइल वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जिससे वो मिसप्लेस नहीं होगा, ये थोड़ा दिया गया है, तो थोड़ा पैसा रहेगा, घूमेगा नहीं, स्लिप नहीं होगा।
तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, ऑक्स केबल के लिए ऑप्शन मिल जाता है और यूएसबी पोर्ट यहाँ पर एक मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको एक ट्रे सब मिल जाएगा, सामान वगैरह रख सकते हैं, कॉइन वगैरह, दो कप होल्डर मिल जाएंगे और एक यहाँ पर बड़ा कप होल्डर रख, एक मतलब तीन कप होल्डर दे रखे हैं, एक दो छोटे हैं और ये थोड़ा डीप है और ये बहुत ज़्यादा ही डीप है और ये बड़ा है जी। तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं तो ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है इसके अंदर, तो सामान वगैरह आप आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये एक ऐसा थर्मल ग्लव बॉक्स है, मतलब यहाँ पर मतलब टेम्परेचर वैसे ही रहेगा, कूल ग्लव बॉक्स नहीं है बट इसका जो एसी कंप्रेसर है, सीवीएस बिफोर हमने जैसे बात किया था, इसका जो कंप्रेसर है 124 सीसी का कंप्रेसर है, 124 तो आप अभी फील कर सकते हैं जो कूलिंग आ रहा है। हमने तो अभी इतना टेम्परेचर भी नहीं रखा है, 22 डिग्री पे है और ब्लोअर भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं, ठंडा बहुत अच्छे से कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी कूलिंग कर रहा है। इसका जो जैसे हम मैक्स करते हैं ये फुल फ्लो प्रोवाइड करता है, तो ये फुल फ्लो प्रोवाइड कर देगा बहुत जल्दी, मतलब कि एक मिनट के अंदर पूरी गाड़ी ठंडी हो जाएगी अगर मैक्स में कर देते हैं तो। उसकी समर जैसे होता है तो वहाँ पे आउटसाइड द कार अराउंड 43-45 डिग्री जितना टेम्परेचर होता है, बट इनसाइड द कार मेटल पार्ट के लिए वो 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। राइट, सो इन दैट केस आप जैसे मैक्स एसी करते हैं यहाँ से तो वो फुल फ्लो प्रोवाइड करता है, जिससे विद इन 5-6 मिनट में कार में अराउंड वो 28-29 तक टेम्परेचर ला देता है। देन आपने जो ऑटो मोड में सेट किया है टेम्परेचर, तो आपको ओनली ऑटो मोड ऑटो बटन प्रेस कर देना है तो उस टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर देता है। आगे देख सकते हैं सेंसर मिल जाता है अपने को, तो डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड इसके अंदर मिल जाएगा, टू टोन देखने को मिल जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर आपको सनब्लाइंड मिल जाएंगे विद वैनिटी मिरर आ जाता है, मिरर और लाइट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ड्राइवर साइड नहीं आएगा, इसको आराम से एडजस्टेबल कर सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन दे रखा है इसकी वजह से हेडरूम काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा रूम है गाड़ी के अंदर, आराम से एक फैमिली कार के लिए और स्पेस चाहिए तो ये एक परफेक्ट गाड़ी रहेगी, मतलब आपको माइलेज भी मिल जाएगा और इसके अंदर आपको पावर भी मिल जाएगी और परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाएगी कंप्लीट। पांच लोग के अगर फैमिली में है तो आराम से बैठ सकते हैं और चला सकते हैं गाड़ी को। इवन इसका जो इंसुलेशन है मोस्टली जो जैसे आउटसाइड द कार इतना ट्रैफिक होता है मोस्टली इन सिटीज, सो इनसाइड द केबिन नॉइज वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, सो वो इंसुलेशन बहुत कम है, आप फील कर सकते हैं कि आउटसाइड का नॉइज वाइब्रेशन बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है जी, नहीं आ रहा इतना नॉइज, क्योंकि आता होता तो इसमें सुनाई दे जाता है, वैसे सुनाई तो दे ही जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको तीन मिल जाते हैं ऑप्शन और छोटा सा एक डिजिटल मिल जाता है, बाकी दो तीनों एनालॉग मिल जाते हैं, आरपीएम के लिए, स्पीड के लिए और पेट्रोल के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाएगा। वन स्टॉप स्टार्ट बटन आपको मिल जाएगा इंजन, और चार एसी वेंट आगे मिल जाएंगे, पीछे एसी वेंट नहीं मिलेगा क्योंकि चार वही बहुत पावरफुल है, तो मतलब बैठ के फील कर सकते हैं राइट नाउ, आपको पता चल जाएगा कि रियर साइड भी कूलिंग आ रहा है, रीजन भी है हैवी कंप्रेसर है, हैवी कंप्रेसर है, कूलिंग ज़्यादा फ्लो ज़्यादा प्रोवाइड करता है कूलिंग का, जिससे केबिन जल्दी कूल होगा। तो ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मैनुअल वेरिएंट मिल जाएगी, 5 गियर बॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, बस इतना बहुत है। और अगर सेफ्टी की बात करो तो 6 एयरबैग इसके अंदर प्रोवाइड करिए, तो काफ़ी कम गाड़ियों में 6 एयरबैग मिलते हैं, काफ़ी गाड़ियों में 2 एयरबैग ही देखे चला देते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको 6 एयरबैग इसके अंदर मिल जाएंगे लो सेगमेंट में। प्राइस कितना रहेगा इसका? इसका जो टाइटेनियम है जो मोस्टली ये टाइटेनियम प्लस है, तो जो टाइटेनियम है वो 8,33,000 में पड़ता है, 8,33,000 और जो टाइटेनियम प्लस है पेट्रोल में वो अराउंड 8,70,000 तक जाता है, इट मीन्स 35,000 का वेरिएशन है। 35,000 के वेरिएशन में टाइटेनियम प्लस में 6 एयरबैग्स ऐड हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, देन रियर डिफॉगर आ जाता है जो विंडशील्ड क्लियर रहता है, ऑटो एसी आ जाता है, सो ये इतने फीचर्स ऐड हो जाते हैं, तो फीचर्स ऐड हो जाते हैं, मतलब 9 लाख के अंदर ही है जी। और 9 लाख के अंदर आपको ये गाड़ी मतलब फैमिली कार और मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज ही है, तो मेरे को तो काफ़ी ठीक लगी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और देख रहा हूँ कि मतलब अपने 25,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी जल्दी 25,000 करने पे 30 का टारगेट करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको ख़रीदनी हो और बुकिंग वगैरह टेस्ट ड्राइव वगैरह लेनी है तो कार्गो पोर्ट बड़ौदा में आ सकते हो, और अगर आप बाहर से देख रहे हो तो कहीं पर भी जा सकते हो, मतलब ऐसा है, अगर बड़ोदरा से अगर आप प्लान कर रहे हो कोई कार लेने के लिए तो आप ये एक बार कंसिडर कर सकते हो, और भी यहाँ पर कार से मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, चेकआउट कर लेना। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बोलना।